नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्कूल कॉलेज की लापरवाही से बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में हो सकती है देरी। दिल्ली से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात। राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी हुई कैंसिल। वनडे मैच के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। अतिक्रमण करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंडों में बनेंगे क्लस्टर। बिहार में पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर प्रखंडों में क्लस्टर यानी कि समूह बनाए जाएंगे। क्लस्टर में मतदान कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत इन क्लस्टरों को प्रखंड के कई हिस्सों में इस तरह से बनाया जाएगा कि इससे जुड़े हुए मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी 30 से 45 मिनट में पहुंच जाए। इसके साथ ही इन क्लस्टरों का उपयोग सुरक्षित ईवीएम को रखने में भी किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा यहां ठहरने वाले कर्मियों के लिए रोशनी, पेयजल, शौचालय, भोजन, चाय, नाश्ते आदि की पूरी व्यवस्था की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान कर्मियों को मतदान के दिन क्लस्टर में सुबह 4 बजे से पहले वाहनों से मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा ताकि मतदान को सुबह 7 बजे शुरू किया जा सके। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश ने निकाली रिक्तियां। नेशनल हेल्थ मिशन MP ने CPHC कंसल्टेंट और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर के कुल 102 रिक्त पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों का BSc, BDS, MBBS, BAMS, MCH, MPHW, PG डिप्लोमा, आयुष डिग्री या फिर संबंधित अनुशासन में PG डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 है। आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nhm.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके अलावा इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। दिल्ली से बिहार के लिए रेलवे चला रही है स्पेशल ट्रेन। होली पर दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए करीब 2 दर्जन ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं उत्तर रेलवे ने यूपी और बिहार के लिए 18 ट्रेनों का परिचालन शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें कि इस क्रम में नई दिल्ली बरौनी आनंद विहार टर्मिनल से गया, पटना और जोगबनी के बीच अलग अलग 4 जोड़ी सुपरफास्ट होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन 4 जोड़ी ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित होंगे। रेलवे के अनुसार कोरोना गाइडलाइंस के तहत यात्रियों को ट्रेनों में भीड़भाड़ का सामना न करना पड़े, इसलिए कई स्पेशल ट्रेनों को त्योहार के मद्देनजर चलाया जा रहा है। बिहार दिवस पर स्कूलों में नहीं होंगे कोई आयोजन। कोरोना के खतरे को देखते हुए गाइडलाइंस के तहत 22 मार्च यानी कि बिहार दिवस के दिन स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा। वहीं सरकारी निर्देश के मुताबिक बिहार के स्थापना दिवस के मौके पर सरकार की तरफ से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि राजधानी पटना के ज्ञान भवन में शिक्षा विभाग की तरफ से 200 चुनिंदा अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इसके तहत पटना के ज्ञान भवन और सभी 38 जिलों के जिला समाहरणालय को वीडियो कॉन्फ्रेंस और वेबकास्ट की मदद से जोड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री से पहले इस कार्यक्रम को बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी राज्यवासियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस बार बिहार दिवस समारोह का थीम जल जीवन हरियाली रखा गया है। स्कूलों की लापरवाही से बिहार बोर्ड के रिजल्ट में हो सकती है देरी। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट में स्कूल कॉलेज की लापरवाही के कारण देरी हो सकती है। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर स्कूल और कॉलेज की तरफ से अभी तक भी बोर्ड को नहीं भेजा गया है, जिस वजह से सैकड़ों परीक्षार्थियों का रिजल्ट फंस सकता है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐसे स्कूल कॉलेज की सूची जारी करते हुए इन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों का प्रैक्टिकल स्कूल कॉलेज के स्तर पर लिया गया था। बोर्ड ने स्कूल कॉलेजों को प्रैक्टिकल के अंक को भेजने का निर्देश दिया था। जानकारी के अनुसार कई जिलों के स्कूल कॉलेज की तरफ से साइंस, सोशल साइंस के प्रोजेक्ट वर्क, इंटरनल असेसमेंट, म्यूजिक, इन सब के प्रैक्टिकल अंक बिहार बोर्ड को नहीं भेजे गए हैं। शरद यादव पर जारी किया गया गैर जमानती वारंट। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व RJD नेता शरद यादव के खिलाफ नालंदा जिला न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल शरद यादव पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में साल 2015 में बिहार शरीफ अंचल कार्यालय में तत्कालीन CO सुनील कुमार वर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में उन्हें बार बार नोटिस देकर उपस्थित होने को भी कहा गया था। इसके बावजूद वे आज तक न तो कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही किसी अन्य प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसके बाद अब कोर्ट को उनके खिलाफ गैर
जमानती वारंट निकालना पड़ा। आपको बता दें कि 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान शरद यादव द्वारा एक विवादित बयान देने पर उन पर आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज किया गया था। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को किया गया रद्द। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को 5 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार जो भी चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी छुट्टी पर हैं उन्हें तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत सिर्फ अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश पर रहने वाले को छोड़कर यह आदेश सभी कर्मियों पर लागू किया गया है। वहीं इस क्रम में 5 अप्रैल तक राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों से लेकर निदेशक प्रमुख तक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर जूनियर रेजिडेंट, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पैरामेडिकल्स, जीएनएम, एएनएम, शल कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन एवं सभी चतुर्थ कर्मी को अपनी सेवा लगातार देनी होगी। शहरी इलाकों में अतिक्रमण करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। बिहार के शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण कर अपने घर या बाजार या फिर दुकानों को सजाने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश सरकार ने अतिक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के अनुसार अब स्थायी तौर पर अतिक्रमण करने वालों को 20,000 और अस्थायी अतिक्रमण करने वाले को 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अभी तक यह जुर्माना की राशि मात्र 1,000 थी। आपको बता दें कि गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक पेश किया था और यह विधेयक बहुमत के आधार पर सदन में पारित भी हो गया है। विधानसभा में उठा भागलपुर में हवाई अड्डा बनाने का मुद्दा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र के कई दबे पुराने मुद्दों को गर्मजोशी के साथ सदन में उठाया जा रहा है। इसी क्रम में शून्यकाल के दौरान कहलगांव के विधायक पवन यादव ने भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे बनाए जाने का मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण से भागलपुर, बांका, मुंगेर, साहिबगंज, खगड़िया, पूर्णिया सहित आसपास के जिले के लोग लाभान्वित होंगे। लंबे समय से भागलपुर में हवाई अड्डा निर्माण की बात चल रही है, लेकिन तल पर कुछ नहीं हुआ है। विधायक ने कहलगांव विधानसभा के अंतर्गत गौशाला की लगभग 1,000 एकड़ से अधिक जमीन को अधिग्रहित कर एयरपोर्ट बनाने की मांग की है। बीपीएसएससी ने जारी किया एएसआई और रेंज ऑफिसर का रिजल्ट। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 866 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें 582 पुरुष और 284 महिला अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बता दें कि स्टेनो एएसआई के कुल मिलाकर 133 पदों के लिए 10 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें 6,408 अभ्यर्थी ने हिस्सा लिया था। वहीं आयोग ने गुरुवार को ही वन विभाग के अंतर्गत रेंज ऑफिसर के लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। इसके लिए 17 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा ली गई थी। इसमें 18,551 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके तहत 43 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 339 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तेजस्वी ने बीजेपी मंत्री को बताया कॉल ड्रॉप मंत्री। बिहार विधानसभा में एक बार फिर जुबानी राजनीति शुरू हो गई है। सदन में शून्यकाल के दौरान माले विधायक महबूब आलम को अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रश्नों के ऑनलाइन जवाब को नहीं पढ़ने के पीछे कारण पूछा गया, तो उसके बचाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कूद पड़े। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि कॉल ड्रॉप और मोबाइल के खराब नेटवर्क की वजह से मोबाइल काम नहीं करता है, इसलिए ऑनलाइन जवाब पढ़ने में परेशानी है। फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉल ड्रॉप मंत्री तो बीजेपी के ही है, इसकी परेशानी की वजह भी वही है। जिसके बाद अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को सदन में राजनीति न करने की बात कही। बिहार में कोरोना के मिले 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 107 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 64 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 26 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भागलपुर में 11 और नालंदा में 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.26% दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 2,61,304 रहा है, जिसके बाद अब बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 405 हो गई है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया 3 प्रमुख संशोधन। बिहार में शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े 3 प्रमुख संशोधनों को उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन विधानसभा में पेश किया। इन संशोधनों के जरिए 3 प्रमुख मुद्दे पर लंबे अरसे से जारी खामियों को दूर करने की बात कही गई है, जिसके तहत नगर निकायों के ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव संशोधन लाया गया है। इस संशोधन के बाद ग्रुप सी के कर्मचारियों से दूसरे संस्थानों में सेवा ले सकते हैं। दूसरा संशोधन नगर निकायों में नियुक्त पदाधिकारी से संबंधित है। इस
संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में नियुक्त पदाधिकारी को सशक्त स्थायी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है, जिसमें नियुक्त पदाधिकारी को एक साल के बाद नगर निकायों के पदधारकों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाने का प्रावधान भी है। वहीं तीसरा संशोधन शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर है, जिसके तहत अब भारी जुर्माना वसूले जाएंगे। द बिग बुल के ट्रेलर में सुनाई दिया कैरे मिनाटी का फेमस गाना। अभिषेक बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म द बिग बुल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 3 मिनट 8 सेकंड का ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होना शुरू हो गया है। इस ट्रेलर में फैंस अभिषेक बच्चन के लुक और अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं इलियाना डिक्रूज भी जर्नलिस्ट के अवतार में खूब जच रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि द बिग बुल का ट्रेलर यूट्यूबर कैरे मिनाटी के फैंस के लिए भी काफी खास है। इस ट्रेलर के बैकग्राउंड में कैरे मिनाटी के गाने यलगार को भी सुना जा सकता है। कुछ वक्त पहले ही कैरे गाना यलगार रिलीज हुआ था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था और गाना यूट्यूब पर ट्रेंड भी हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। इस टीम में कृणाल पांड्या, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को पहली बार शामिल किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे टीम में चौथे T20 मैच में आतिशी पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव भी अपनी जगह बनाने में सफल हो गए हैं। वहीं टेस्ट सीरीज में खराब फॉर्म से गुजरने वाले शुभमन गिल को भी टीम में रखा गया है। हालांकि अपनी डेब्यू पारी में जबरदस्त 50 लगाने वाले बिहार के लाल ईशान किशन टीम में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। इस टीम में ओपनर बैट्समैन केएल राहुल को भी जगह दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार देश भर में फिर से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।